जी अस्सलाम वालेकुम। 1996 से 1996 से माशाल्लाह चिनियोट जनरल हॉस्पिटल इज़ वर्किंग, और तकरीबन सेहत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हर शोबे में बहुत काम कर रहा है, और इस प्रोजेक्ट ऑफ चिनियोट अंजुमन इस्लामिया। मेरे साथ यहाँ पे मेडिकल डायरेक्टर चिनियोट जनरल हॉस्पिटल ब्रिगेडियर डॉक्टर मोहम्मद मुनीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। चिनियोट हॉस्पिटल माशाल्लाह इट्स बीन सो मेनी इयर्स नाउ, तो दो दहाइयों से ज़्यादा हो गए। 28 दो साल के बाद तो 30 साल हो जाएंगे माशाल्लाह से, और इसी तरह से आप लोग लगे हुए इंसानी खिदमत में तकरीबन हर शोबे में हेल्थ के आप लोग हॉस्पिटल में। जी जी, इट्स अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल। टर्शरी केयर हम कहते हैं जी कि जिसमें नॉर्मल स्पेशलिटीज़ के अलावा सब स्पेशलिटीज़ एंड सुपर स्पेशलिटीज़ भी हो। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब ये सफ़र शुरू किया था 8 से 28 साल पहले तो दो स्पेशलिटीज़ थी, मदर एंड चाइल्ड का गायनकोलॉजी थी और पीडियाट्रिक्स थी बच्चों। अच्छा। का आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैविंग 19 स्पेशलिटीज़, उसमें कार्डियोलॉजी आप ले लें, न्यूरोलॉजी ले लें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ले लें, प्लास्टिक सर्जरी ले लें, और इसी तरह की बाकी जितनी सब स्पेशलिटीज़ हैं, सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, उन सब की सहूलत मौजूद है। बड़ी बड़ा मुश्किल होता है सारा कुछ मैनेज करना। डॉक्टर्स भी आपके साथ ऑन बोर्ड होते हैं, बड़े बड़े सर्जन जो हैं वो भी आप लोगों के पास हैं, और ये सारा कुछ जो है ये डोनेशन पे और उस पर चलता है। एक्चुअली जो हमारा ये ट्रस्ट हॉस्पिटल है। अच्छा। नॉट फॉर प्रॉफिट। ओके। हम कैश का पेशेंट भी लेते हैं, कॉरपोरेट का पेशेंट भी आता है, और हम फ्री ट्रीटमेंट भी करते हैं। ठीक है। तीनों वो हमारे पास मॉड्यूल्स हैं। इसकी बुनियाद चिनियोट अंजुमन इस्लामिया ने रखी थी आज से कोई 1983 में चिनियोट अंजुमन इस्लामिया बनी थी कराची में। अच्छा। और उस वक्त जो इनका विज़न था कि हेल्थ में और एजुकेशन में जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं या गरीब लोग हैं उनको हम मयारी तालीम और मयारी तिबी सहूलियात फराहम करें। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस अंजुमन के तहत 7 हॉस्पिटल्स और 5 बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान माशाल्लाह, और सालाना उनका इस वक्त जो ख़र्चा है वो तकरीबन कोई 1.5 अरब रुपये से ज़्यादा का है माशाल्लाह। चिनियोट जनरल हॉस्पिटल जो है इसमें इसकी बुनियाद भी डेफिनेटली, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो कोरंगी में है, तो लांडी कोरंगी जो मिडिल लोअर क्लास इनकम के हमारे लोग हैं वो हमारा कैचमेंट एरिया है, वही लोग ज़्यादातर आते हैं हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर देयर फॉर द लास्ट 28 ईयर्स प्रोवाइडिंग दम ऑल फैसिलिटीज़। एंड द गुड थिंग इज़ कि कैश का जो पेशेंट है वो शायद आप समझते हो कि हम उन वेरी वेरी सब्सिडाइज रेट्स। अच्छा। वी आर हैविंग मोर देन 60 कंसल्टेंट्स एट दिस वेरी मोमेंट माशाल्लाह। वो कंसल्टेंट्स हैं जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी बैठते हैं और हमारे पास भी बैठते हैं, वहाँ वो चार्ज 3,000 रुपये करते हैं अपनी कंसल्टेशन फ़ीस, यहाँ वो चार्ज 600 रुपये करते हैं, जस्ट 600 रुपीज़। और सारी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब जो कार्डियोलॉजी है, हमने अभी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी नहीं शुरू की। अच्छा। लाइक कार्डिक सर्जरी हम नहीं करते, लाइक हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नहीं करते, दिस इज़ ऑलरेडी इन आवर विजन, हमारा एक्सपेंशन प्लान ऑलरेडी इन प्लेस है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई मई जून इंशाल्लाह वो कमीशन हो जाएगा, अल्लाह कामयाब और उसके बाद उसमें हमारा इंशाल्लाह ये एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टिक भी हम उसमें शुरू करेंगे। न्यूरोलॉजी के करते हैं वो? बिल्कुल जी, न्यूरोलॉजी हमारे पास एस्टैब्लिश्ड है, बड़े अच्छे कंसल्टेंट है हमारे पास, न्यूरो सर्जरी हमारे पास एस्टैब्लिश्ड है, न्यूरो सर्जरी के ऑपरेशन होते हैं। क्या ऑलमोस्ट कितना पेशेंट जो है वो पेशेंट्स आते हैं आप लोगों के पास? तकरीबन जी इमरजेंसी और ओपीडी के मिला के 1,000 पेशेंट ऑलमोस्ट डेली विजिट करते हैं। डेली? डेली 1,000 पेशेंट्स? जी जी तकरीबन। और उसमें गायनी भी हैं, उसमें मतलब हर तरह के पेशेंट? हर तरह का पेशेंट। मैंने बताया ना कि हमारी ओपीडीज जो होती है वो सुबह 9 बजे शुरू होती है और रात 9 बजे तक चलती है। अच्छा। इन 3 शिफ्ट्स, मॉर्निंग जो है वो 9 बजे से लेके 2 बजे तक, फिर 2 बजे। ज़्यादातर लोग किस शिकायत के साथ आते हैं, मतलब ऑब्वियसली ये भी जानना ज़रूरी है कि? अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊँ ये सीजनल होता है। अच्छा। लाइक गर्मियों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा
मलेरिया ये काफ़ी ज़्यादा है, डेंगी ये होता है। इसी तरह जब हम सर्दियों में जाएं तो अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं ये बड़े कॉमन हैं। बच्चों में नमूनिया इज़ क्वाइट कॉमन। ये तो अभी आप लोगों ने सोचा कि एक्सपेंड किया जाए किसी और इलाके में भी इस तरह से? कराची में एट दिस मोमेंट जी चिनियोट अजमीन इस्लामिया के तीन हॉस्पिटल्स हैं। जी जी, एक तो ये सबसे बड़ा ये है, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर है नाजमाबाद में, ठीक है, दैट्स अ 70 बेडेड, ठीक है। वो गायनेकोलॉजी और पीडियाट्रिक्स की सहूलतें मुहैया करता है और एग्जैक्टली इसी विजन के साथ ऑन अ वेरी सब्सिडरी रेट्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं फैसल भाई और बताऊँगा आपको कि आल्तो की वी आर वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, कि बहुत कम पैसों में हम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई पेशेंट आता है और कहता है जी कि मैं ये भी नहीं दे सकता, तो ही इज़ गेटिंग एब्सोल्युटली फ्री ट्रीटमेंट। अच्छा, माशाल्लाह। ज़कात और वेलफेयर की हमारे पास है एंड आई कैन वेरी प्राउडली से ओवर हेयर कि हमारा जो ज़कात का सिस्टम है कम्पेयर टू नन टू एनी अदर हॉस्पिटल। और बड़े हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट जाता है और कहता है जी मुझे ज़कात से या वेलफेयर से इमदाद दें, तो उनका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है कि जी वेलफेयर आपकी वेरिफिकेशन के लिए आप फलां से सर्टिफिकेट लेकर आएँ, ज़कात कमेटी का एक सर्टिफिकेट लेकर आएँ, ठीक है। फिर उसके बाद सो मच सो कि वो कोई टीम भी भेजते हैं घरों में कि वेरिफिकेशन के लिए कि वाकई हमारा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर उसने फॉर्म साइन कर दिया तो बस? बिल्कुल, एक फॉर्म। अच्छा, और दैट फॉर्म इज़ आल्सो डिज़ाइन बाई द मुफ्ती जो कि हमारे वो हैं, इसको मैनेज करते हैं, कौन बोर्ड करते हैं, वो हैं, उन्होंने डिज़ाइन करके दिया है ताकि बंदे की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना करें। वो सिंपल आता है, फॉर्म साइन करता है एंड देन बिल्कुल नहीं पता चलता किसी डॉक्टर को भी कि ये पेशेंट ज़कात का है या ये पेशेंट कैश का है। वाह, ये अच्छा सिस्टम। द गुड थिंग उसका एग्जैक्टली उसी तरह का बिल बनता है जिस तरह कैश के पेशेंट का बनता है फॉर एवरी सर्विस, बट एट द एंड ही डजंट हैव टू पे द बिल, द बिल इज पेड बाय द ज़कात एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट। ग्रेट सर। सर, कोई मैसेज लोगों को आप देना चाहें? उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बेतहाशा लोग जो है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि इसी तरह से मिलजुल के चलना है भाई, इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मदद आपके तहत ही हम सभी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और यही एक हल है हम लोगों के पास, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत काम कर रहे हैं इस हवाले से। तो आपको चैनलाइज होने की ज़रूरत है, जज्बाती होकर हम इधर उधर जो है वो काम शुरू कर देते हैं। तो ये पूरे महीने हमने यही कोशिश की कि ऐसे तमाम लोगों से आप लोगों की मुलाकात करवाई जाए जो प्रॉपर चैनल के थ्रू एक काम कर रहे हैं। सो हमारे लिए ये आसान हो जाता है कि अच्छा, हमें इस शोबे में इनको हेल्प करना है, उनको हेल्प करना है, उनको हेल्प करना है। तो ये एक जो है चिनियोट जनरल हॉस्पिटल ये काम कर रहा है जी लोगों की सेहत के हवाले से। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, बैंक की डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, आप लोग विज़िट भी कर सकते हैं वेबसाइट पे, और ये ज़कात और डोनेशन दोनों एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सॉरी डॉक्टर साहब जी। सर वसल भाई, जिस तरह आपने कहा कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, ट्रूली स्पीकिंग इस महंगाई में एक अच्छा खासा आदमी भी अब ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाता। वेरी ट्रू, बहुत सारे महंगे ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर पाते। हमने लास्ट ईयर जो क्लोज़ किया था वो तकरीबन 105 मिलियन हमने ज़कात के फंड में दिए हैं, फ्री ट्रीटमेंट किया मोर देन 56,000 पेशेंट्स का, और इस साल हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह 120 मिलियन हम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच, आपने आए, आपने अपना वक्त निकाला, इसी तरह से इंसानी खिदमत में मसरूफ़ रहिए और हमारे लिए भी दुआ करते रहें।